नमस्कार दोस्तों, बेहद ही बड़ी खबर के दौरान एक मौलाना द्वारा एक विवाहित युवती पर काला जादू बताकर उसका इलाज करने के बहाने ही उससे गलत वारदात को अंजाम देने का मामला सामने आया है। 28 वर्षीय युवती ने शहर के भोपालपुरा थाने में मौलाना शरीफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया है। रिपोर्ट में युवती ने बताया कि उसकी तबीयत खराब होने पर मकान मालकिन के साथ मौलाना के पास इलाज के लिए पहुंची थी, जहां पर मौलाना ने काला जादू बताते हुए इलाज करने के लिए युवती से 800 रुपये भी मांग लिए थे। इसके बाद बताया जा रहा है कि मकान मालकिन को तो बाहर भेज दिया था और इलाज की बात कहते हुए युवती को शीशी से कुछ चुंगाया है और इसके बाद बेसुध की हालत में उसके साथ बताया जा रहा है कि मौलाना ने ही गलत वारदात को अंजाम दिया है। इसी दौरान थाने में रिपोर्ट में उसने बताया कि जब वह होश में आई तो बताया जा रहा है कि अधनंगन मिली है और इसके बाद वह विलाप करने लगी और मौलाना से विरोध करने लगी थी। इसके बाद मौलाना ने कहा कि फोटो वीडियो बना ले हैं, अगर बाहर किसी को बताया तो वायरल कर दिए जाएंगे। हालांकि पुलिस इस मामले में गहराई तक जांच करेगी और जिसके बाद स्पष्ट कुछ सच्चाई आ पाएगी। सो दोस्तों, बड़ी खबर थी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते हुए कमेंट को अपनी राय जरूर दें।